नमस्कार, अभी हम मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में पारू विधानसभा में लालू छपरा की पंचायत है और उसमें जलीलपुर गांव में पहुंच चुके हैं। और जैसा कि अभी तक हम आपको कई सारी जगहों में अनेक मुद्दे दिखा ही रहे हैं, चाहे वो बाढ़ का मुद्दा हो, मजदूरों का मुद्दा हो, या मुद्दा हो कि नल जल जैसी योजनाएँ कितनी बड़ी कितने बड़े जुमले हैं, ऐसे मुद्दे ख़त्म नहीं हो रहे हैं। लेकिन अब पंचायतें जो हमने कवर की हैं वो ख़त्म हो रही हैं। और एक नया मुद्दा जो आज निकल के आया है कि ये जो पुश्तैनी ज़मीन है, यहाँ पर जो अति पिछड़ा वर्ग यहाँ पे रहते हैं, रविदास कम्युनिटी के ये लोग हैं, महिलाएं हैं हमारे साथ, अभी आप देख सकते हैं, तो ये कई सालों से 50-60 साल जब से हमारे भारत में आज़ादी मिली है तब से ये यहाँ रहते हैं। लेकिन कुछ नए मुद्दे निकल के आ रहे हैं कि इनको इन्हीं की जगह से और ज़मीन से विस्थापित करने की बात चल रही है। करने की हमको यही कहना है कि मेरा घर द्वार नहीं तोड़े, घर से बेघर ना करे, बस इतना ही जानते हैं। कोई अगर मान लीजिए उजाड़ने की बात चल रही है तो आपको कोई और जगह दी जा रही है? नहीं, जगह नहीं दिया जा रहा है। कहाँ जाएंगे, जानते आगेंगे, घर छोड़ के नहीं, घर नहीं छोड़ेंगे, मगर घर टूटेगा तो हम भी टूट जाएंगे। कबाई से अब हमने के मार दो गोली मार के मुआ दो बाले बच्चे के कहाँ जाए, कहाँ जाए रौड़ी ने के चरण में कहाँ जाए, बाल बच्चा दूगो लेके भीख मांगे जते आदमी, अपने कहाँ ना जाओ, हम करजोर के कही बड़ी कहाँ बाल बच्चा लेके जते आदमी। अभी ना मांग रखे हैं, बाकी आएगा नोटिस देगा तब ना बोलेंगे, कहेंगे जी हमको जगह जमीन दीजिए, घर बना दीजिए, तब ना हम लोग हटेंगे, पहले हम लोग कहाँ जाएंगे हट के। हम लोग को उधर घर है तो वहाँ से बाढ़ आया था तो हम यहाँ आ गए थे। घर आपका उधर है? हाँ, बाढ़ आया था हम यहाँ पर आ गए, यहाँ आ गए। तो कह रहे कि ये तो रोड बनेगा तो क्या हुआ, क्या बनेगा यहाँ पे? यहाँ रोड बनेगा, गाड़ो 4 लाइन था ये घर उजाड़ने के लिए कह रहे हैं। 4 लाइनर यहाँ हाईवे बनेगा जी? अच्छा, बोले हैं कि बिजली बिल आ गया 15,000 रुपया। कितना आ गया? 15,000। 15,000 घर वाला कमाने वाला तो घरे बैठा हुआ है, लाख डंग लगा वो बेर से, तो कहाँ से भराएगा, तो माफ उफ होगा कि नहीं होगा? कितने महीने का बिल है 15,000? अब नहीं मालूम है, महीने महीने आते हैं तो बोलते हैं कि बोल 10,000 आता है तो बोलते हैं कि बोलू 12,000 आ गया। हाँ, महीने महीने मैंने उनको ब्याज बढ़ते जाता है, तो कहाँ से भराएगा। आप क्या क्या यूज करते हैं बिजली का घर में? बिजली का कुछ नहीं, एगो मोबाइल चार्ज करते हैं, एगो बॉल जलाते हैं, एगो पंखा चलता है बस। हाँ, कोई टीवी ना कुछ नहीं, मोटर उटर कुछ नहीं। और उसका बिल 15,000? हाँ, उसका 15,000 आ गया। यहाँ पे एक छोटे से गाँव में जो यहाँ पे इतने सालों से अपना घर बसाए हुए हैं, कैसे भी जितना भी कम है बढ़ती है उसमें गुजारा करते हैं, लेकिन वहीं यहाँ पर जो समस्याएं हैं, लोग अपनी जान देने को तैयार हैं पर जो उनके इतने समय से इनके घर हैं उनको त्यागने को इनको मंजूर नहीं है। और यहीं हमने बातचीत की किस किस तरीके की असुविधाएं हैं, लेकिन हमने ये भी आपको दर्शाया कि यहाँ के जो बिल्कुल युवा लोग हैं, बिल्कुल यंग आगे का जो फ्यूचर है, उनमें भी कितनी अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, जिन्हें वो इस तरह की समस्याओं से बाहर निकलकर एक बेहतर जीवन की तलाश में निकलना चाहते हैं। पैगाम के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।